हेलो एवरीवन, कैसे हो यार? तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मैं भी काफ़ी दिनों बाद रिटर्न कर रहा हूँ गेम में। क्या है, मैं बस रेगुलर शील्ड कर रहा था और बस ऐसे ही चल रहा था क्योंकि काफ़ी बिजी हो गया था। कॉलेज छूटने के बाद नई जॉब, फिर इधर से उधर शिफ्ट होना, जिसके चलते मैंने फिर थोड़ा छोड़ दिया था। वरना जब यूट्यूब में आया था तो सोचा था कि कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उस वक्त बैंड बज गई है ना, कॉलेज वगैरह छोड़ दिया। तो बस आज की वीडियो इसलिए कि आप लोगों को बताऊँगा मैं कि काफ़ी लोगों को क्या होता है एक्सचेंज इवेंट में क्या इशू आ जाता है। मैंने मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्सचेंज इवेंट नहीं कर पाए, वो क्योंकि क्या हम लोग ज़्यादातर फिटवेल बंदे कहाँ अटकते हैं, रिसर्च स्पीड में या स्पीड ऑफ में अटक जाते हैं, क्योंकि अपने पास होता नहीं है ना। अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, हमसे गलतियाँ कहाँ होती है, हम लोग ना विदाउट इवेंट उसे यूज़ कर लेते हैं, और दूसरी गलती कहाँ होती है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम लोग वहाँ स्पीडअप यूज़ कर रहे हैं। ये समझ लो भी कि जो रिसर्च अपने को इम्पोर्टेंट है उसको छोड़ के अगर रिसर्च करोगे तो दिक्कत है ना, है ना। अभी क्या हमारे बंदे क्या गलती करते हैं कि समझ लो अभी रिसर्च देख लो, अभी रिसर्च क्या इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एक तो आपकी इकोनॉमी में अच्छी है ना, दूसरा मिलिट्री में अच्छी। अभी क्या कभी कभी बंदों को क्या दिक्कत हो जाती है काउंटर रिसर्च, हाँ मेरे को पता है काउंटर थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन क्या अभी एक्सचेंज इवेंट आ गया है और कुछ टाइकून जैसे इवेंट हो गए, है ना। टाइकून इवेंट में क्या है, थोड़ा सा अगर एक पैक भी खरीद लिए तो वहाँ से 100 या 200 क्या है टोम्स मिल जाते अपने को, हाँ आर्किक टोम्स। क्या है, एक 159 का अगर तुम लोगों ने एक पैक मार भी लिया तो क्या होता है कि आपको वहाँ से इतना मिल जाता है कि आप टोम्स निकाल सको 100 या 200। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या जब मेरे पास कूपन आते हैं बोनस का मैं तभी टोम्स खरीदता हूँ, वरना ऐसे इसमें नहीं खरीदता। मैं ज़्यादा बाय नहीं करता यार, मैं भी वही 79 वाला पैक या फिर 159 वाला, बस ज़्यादा मैं भी स्पेंड नहीं करता। काउंटर रिसर्च मैक्स करने के लिए क्या थोड़ा सा चेंज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको मैक्स सीखा है, आपको मॉन्स्टर हंटिंग ज़रूरी नहीं कि मैक्स होनी चाहिए करके, हाँ थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि आप लेवल 4 मॉन्स्टर हंट कर सको। क्या फ्री टू प्ले बंदे के लिए क्या लेवल 5 मॉन्स्टर हंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने पास क्या एनर्जी ज़्यादा सेव रहती है ना, तो लेवल 4 तक के अगर रखोगे आधी आधी तो भी चलता है। दूसरी क्या है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने कर दिया लेकिन उसको गलती हुई मुझसे। दूसरा डिफेंस कभी करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। तीसरा अपग्रेड मीटर में जाने का थोड़ा सा क्या है, आप लोग क्विक सब कितना अच्छे जाता, 2 या 3 क्विक सब काफ़ी हो जाते हैं, ठीक ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़्यादा माइट बढ़ेगी ना तो दिक्कत अपने कोई होती है, क्या अपने पास माइट बढ़ी रहती है लेकिन अपने पास क्या होता है स्टेटस नहीं होता, और क्या बोलते हैं उसको स्क्रोल दूसरे छोटे किंगडम में जाने के लिए, फिर और दिक्कत हो जाती है। तो क्या जितना कम रहेगा ना उतना अपने लिए अच्छा है, लेवल 6-7 तक के भी रिसर्च रखते तो काफ़ी अच्छा रहता है। बस T2 को मैक्स रख दो, T3 को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और 94 के साइड में, ठीक है। दूसरा था आर्मी लीडरशिप मैंने मैक्स इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे होता है फ्यूरियस स्टैट के लिए मैंने इसे मैक्स किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टैट्स है उसी चक्कर में मैंने इसे मैक्स किया। ये कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अगर आप कोई मतलब समझ लो अभी यार आप कोई लीड कर वंडर है कि नहीं। अभी अपने जैसे बंदों के लिए क्या है, छोटा सा माइट रहेगा काफ़ी हो जाता है, हम लोग जाके थोड़ी टाइटन से लड़ने वाले, हम ऐसे किंगडम में रहते जहाँ पर हर कोई बंदा छोटा छोटा है, तो इसको मैक्स नहीं भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, इससे माइट बढ़ती तुमको होगी बस, भाई कुछ होता नहीं। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा डार्कनेस ही है, लेकिन क्या है मैंने कर दिया क्योंकि मैंने ये सब कुछ ऑफेंस वगैरह देख के ही आया इधर में, लेकिन मैं तो बोलूँगा जितना कम रहेगी तुम लोग की रिसर्च इधर उतना तुम लोग को ईजी रहेगा। तीसरा फैमिलियर का भी इम्पोर्टेंट है, पैक 4 तक के यही तक के करने की ज़रूरत है, इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, वो किसी काम का नहीं है, मैंने गलतियाँ कर दी काफ़ी। दूसरा फैमिलियर बैटल मैंने पैक 4 तक के ओपन किया है, मैं चाहता हूँ कि पैक 5 भी ओपन करूँ जल्दी, लेकिन अभी शुरू नहीं किया। मैं बता दूँ कहाँ गलती, मैंने सीजल्स खोल के रखे हेलमेट सीजल, और मेरा दूसरा है वंडर, ऑलमोस्ट मेरा वंडर मैक्स हो चुका है, ऑलमोस्ट बस इतना बचा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2-3 हज़ार टोम्स में भी और मैं भी ज़्यादा लग सकते हैं, जिसको मैं कंप्लीट कर दूंगा बहुत जल्द तो मेरा वंडर मैक्स हो जाएगा। दूसरा T5 मैंने हाथ नहीं लगाया था कि मुझे जरूरत, मैं सच्ची बता रहा हूँ T5 से क्या है मेरी माइट बढ़ जाएगी, मैं ऑलरेडी 930 पे हूँ और ना मेरे पास जितने ज़्यादा ट्रूप्स नहीं है, उसके बावजूद मेरी माइट देख रहा हूँ कहाँ छोड़ रहे, सिर्फ 16.1 मिली मेरे पास ट्रूप्स है और मेरी माइट देख 137, ये दिक्कत है। मुझे माइट पसंद नहीं है, क्या मुझे 700 और 800 मिलियन के अंडर में रहना पसंद है, क्या एक तो छोटा माइट रहता है
दूसरा नंबर स्टेटस अच्छा रहता है। आपको गियर दिखा देता हूँ मेरे, ये मेरा मिक्स गियर। अभी क्या तीन कप मैं स्टेटस, मैं इसके पीछे जाता हूँ, मुझे तीन कप ही ज़्यादा पसंद है। क्या मैं अपनी चॉइस के हिसाब से गया, ऐसा नहीं कि HP वाला चूज कर लूँ या वगैरह वगैरह। मुझे कप्स पसंद है, मैं अपनी हिसाब से गया। आप लोग अपनी हिसाब से जा सकते हो। आज का वीडियो कोई रिसर्च के ऊपर बात करने का नहीं था मेरा, मैं तो आप लोगों को कुछ बताना चाहता था कि एक्सचेंज इवेंट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मेन बात ये थी कि समझ लो अभी रिसर्च आप लोग स्पीडअप कहाँ यूज़ करते हो, कभी इसमें करते हो, कभी कभी क्या जहाँ पर ज़रूरत नहीं समझ लो कोई रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं वहाँ कर देते हो आप लोग रिसर्च, वहाँ आपका स्पीडअप वेस्ट हो जाता है। तो ये ना करने से अच्छा है अपने टेक्नोलॉजी यूज़ करो और अपने स्पीडअप बचाओ। सबसे बड़ी बात यही अपने लिए, जितना स्पीडअप बचा रहेगा हम इवेंट में यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज इवेंट ऐसा है कि भाई आप लोगों को 24 प्लस वो क्या दे रहा है आप लोगों को लाइट, और जो कि ग्रीफन के लिए अपग्रेड करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रहा है ना। और दूसरा देता है आपको टूल्स जो आपको काउंटर रिसर्च मैक्स करने में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, मैं वंडर की बात नहीं करूँगा, मे बी आपको सीजल्स काम आ जाएंगे, फिर सीजल्स से भी आपको अटैक मिलता है। वो सीजल्स क्या होता है, आपको आपके गाइडमेट्स को हेल्प करते हैं, जो आपके वंडर लिस्ट पर होते हैं जो ड्रैगन एरिया में करेंगे उनको हेल्प करता है। लेकिन उसकी बात नहीं करूँगा फिलहाल, मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि आप इस स्पीडअप सही जगह भी यूज़ करो, है ना। मैंने अपने वैसे ही फिनिश किया है, मैंने अपने एक्सचेंज इवेंट दिन भर में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा स्पीडअप पड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ स्पीडअप एक 60 पॉइंट वाला है, दूसरा 40 पॉइंट वाला है, आप लोग जानते हो एक्सचेंज इवेंट में, मैंने बस वो दो ही करके फिनिश कर दिया। और बस थोड़ा सा माइट अपग्रेड का आता है ना 100 पॉइंट वाला, उसको ये तीन के सिवा मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। और थोड़े बहुत हाँ ब्रेव हार्ट का एक क्वेस्ट आता है उसमें, वो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेलवेंट आता है, हेलवेंट कर सकते हो, अगर मर्जिंग का हेलवेंट है, अगर आपके पास मर्जिंग स्पीड बची हुई रहती है ना तो वो यूज़ कर लेने का। ठीक है, चोज ड्रैगन के पीछे जाने के नहीं है, वहाँ से फाइट वेस्ट होने वाली और कुछ नहीं। हाँ, वॉशर काफ़ी अच्छा है जो टाइकून से मिल जाता है ना, वो एक अच्छा हीरो है, जिसको कंप्लीट करने में थोड़ा देर तो लगता ही है। तो बस यही बोलूँगा कि अपनी स्पीडअप बचाओ और उनको सही जगह इस्तेमाल करो, तो क्या होगा तुम्हारा टर्फ स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैं आपको फिर गियर दिखाता हूँ कैसे किए मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेंड करके बनाया है, मैंने यूट्यूब में ही खिलाया शुरुआत में कम से कम 2 साल, उसके बाद मैंने स्पेंड चालू किया, क्योंकि मेरे पता नहीं था गेम, प्लस मैं स्पेंड नहीं करता था क्योंकि मेरे पास में जॉब की कुछ नहीं था। तो ये देखो मेरे लिए ऐसा आपको दिखा, तो मेरा रेंज सेट अभी मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा मेरा इन्फेंट्री सेट, और चौथा मेरा केव ब्लास्ट, ये है मेरे। ठीक है, ये मेरा मर्जिंग, ये मॉन्स्टर के, और ये स्पीड गियर जो सीजन के साथ है, और ये मेरा हीरो है जो पेड़ है, जो मेरा पहला पेड़ हीरो जिसे मैं बहुत जल्द गोल्ड करने वाला हूँ। अभी आधे रास्ते पर चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसे नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर दूँ, ताकि एक तो पेड हीरो रहेगा मेरे पास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, बाकी बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में बताने की, एक्सप्लेन करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक्सचेंज इवेंट मैंने कैसे कंप्लीट किया उसकी क्लिप है दिन भरेगी, प्लीज़ देख लीजिए। आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें अगर हेल्प चाहिए तो उनकी मदद करूँगा। ठीक है। Memories fade away, wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. I'll lift the water.
said goodbye. Cause the further we carry on through the fight, the stronger that we become. Hey, I've lived through all the havoc, seen pain you can't imagine. These days you take for granted, we fought hard so you could have them. This truth you hold for ransom, buried beneath the static. No doubt the heart is damaged, light is cold and love is tragic. Star, strong from the inside, you're still.